तो भाई फाइनली अपना इंजन हो गया है पैक, हेड वगैरह पिस्टन वगैरह सब कुछ लग गया है। अभी इसमें रह गया था भाई क्लच प्लेट डलना। क्लच प्लेट का भाई ये हाफ सेंटर वगैरह की इसकी हालत देख रहे हो भाई, ये पूरा प्रॉपर कट चुका है और हमारे भाई का कहना है भाई इसका चलेगा नहीं, तो इसके कहने पे भाई अपन ये चेंज कर रहे हैं भाई। नहीं तो फिर फिलहाल विचार तो यही था भाई पुराना डालने का, बट फिर भी भाई एक बारी देख लेते हैं। क्लच प्लेट की हालत देख लो भाई, लेदर इनका लगभग घिस चुका है। और ये पार्ट देख लो भाई, इसमें निशान देख रहे हो ये अलग से, ये सब कटिंग का निशान है भाई ये, और ये प्रॉपर पूरी तरीके से कट चुका है। और अब नया वाला दिखाता हूँ भाई आपको, ये है भाई नया वाला। इसमें और इसमें डिफरेंस देख सकते हो भाई, कितना डिफरेंस है। एक बार क्लच प्लेट हटा दूँ, ये देख लो भाई दोनों में कितना डिफरेंस है। ये बिल्कुल फ्लैट है और ये इसके अंदर कटिंग के निशान है सेकंड। इसमें और इसमें डिफरेंस देख सकते हो भाई कितना डिफरेंस है। तो अभी ये सब डालने के बाद और पूरा पैक करने के बाद भाई इंजन साउंड देखेंगे और परफॉर्मेंस देखेंगे अपनी कैसी आती है। क्यों भाई बनेगा? बनेगा भाई, भाई कह रहे हैं एकदम ओके वाला करके देंगे भाई, साउंड आएगा। अभी भाई ने R15 वर्जन 3 का इंजन पैक किया था और अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं भाई एक नंबर पैक हुआ था। तो अपनी NS की भी कामना करते हैं भाई अच्छे से अच्छे पैक हो जाए। बाकी अभी दिखाते हैं थोड़ी देर में। अभी इसका क्लच प्लेट इंस्टॉल करना शुरू कर दिया भाई ने। क्लच प्लेटें दिखाओ भाई, कैसी क्लच प्लेटें हैं, कैसी फुकसी रही हैं। FCC इसकी जेन्युइन नहीं है क्या भाई? बढ़िया चल रही है ये FCC की क्लच प्लेटें भाई अपन इंस्टॉल कर रहे हैं। पता नहीं जेन्युइन है कि नहीं है भाई संदीप भाई पे, तो एक बार चेक कर लेते हैं भाई। अगर जेन्युइन होगी तो जेन्युइन डलवा देंगे, नहीं तो फिर भाई ये FCC की डलवानी पड़ेगी अपने को।